चलो भाई अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा देखो एक्चुअली में ना ये और इसके बाद एक और लेक्चर, उसके बाद वेक्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल रखना कि वेक्टर भले खत्म हो रहा है लेकिन उसका रिवीजन हमेशा करते रहना। वेक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। आज हम तुमको कुछ कुछ बातें सिखाएंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले सिखाएंगे जो हो सकता है तुमको पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ हल्का फुल्का उसका रूप देखेंगे और फिर जिस जिस चैप्टर में आएगा उसके उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर तुम इलेवंथ में हो सकता है, ज़्यादातर चांस है तुमको ये फॉर्मूले नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको बस एज ए वेक्टर का फॉर्मूला जैसा पढ़ेंगे। फिर जब वो जिस भी चैप्टर में आएगा तो पूरा प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मतलब तुमको बस इस लेक्चर में ये सिखाना चाहेंगे ना कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो बताएंगे। और फिर हम तुमको ये बताएंगे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम ये बोलें कि रिजल्टेंट के फॉर्मूले के बाद क्रॉस प्रोडक्ट ही है जो बहुत मेनली इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल चीजें हैं तो वो सब हम लोग अब सीखेंगे। भाई पिछले टर्न पे क्या क्या बात किए तो उसका हल्का फुल्का रिवाइज करा लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में हम लोग जाने। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है अगर तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। बोलो भाई। अच्छा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन किसको बता रहा होगा, ये वाला पोर्शन बता रहा होगा मैग्नीट्यूड को, जबकि ये वाला जो पोर्शन है वो बता रहा होगा किसको, डायरेक्शन को। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अगर हम ये बोले लगे हाथ कि ये बताओ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या तो मैग्नीट्यूड बोले या तो मॉड में लिख दे, इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या वो ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर ये तो सही है, सही, बहुत बढ़िया। सबस अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले, सुनना ध्यान से। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है अब बी क्रॉस ए, एकदम सिमिलर तरीके से सोचना। अगर हम बोले कि चलो भैया बी क्रॉस ए बताना है तो ये बताओ, अगर हम बोले कि बी क्रॉस ए का केवल मैग्नीट्यूड बताओ, ये अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, तो बताओ ए की जगह क्या दिख रहा है बी, बी की जगह क्या दिख रहा है ए, तो हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम क्या बोलेंगे इसको, बी ए साइन थीटा बोलेंगे कि नहीं? क्या ये और ये सेम टू सेम है, क्या ये और ये सेम टू सेम है, सोच देखो। बोले हाँ सर बिल्कुल। अरे भाई 3 × 5 कर लें चाहे 5 × 3 कर लें, एक ही तो कहानी है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। इसका मतलब एक बात श्योर एंड सर्टेन है कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या सेम होगा बताओ? मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड, ये इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी सेम, विल बी सेम, बट Their direction will be opposite. अच्छा इसका क्या मतलब, ये कहाँ से आ गया सर? डायरेक्शन तो बता ही नहीं, डायरेक्शन हम पिछले टर्न पे सिखा के गए थे, याद करो जब हम लोग 16, 17, 18 एग्जाम्पल किए थे तो वहाँ हम लोग इस बारे में बात किए थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? हम उसको 4-5 एग्जाम्पल बाद ही सिखा दिए थे, लेकिन हम ये बोले थे कि इसको अभी लगाओ नहीं, अभी इसको बस दिमाग में समझ के रखो। हम लोग हर बार राइट हैंड थंब रूल लगाए थे और हम लोग पता लगाए थे, तो हम लोग को दिख गया था ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। ये भी वैसे हम लोग प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, बट इसको ऐसे देख लो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे भाई। तो शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो और अब चालू करते हैं कहानी, ठीक है। नोट पॉइंट लिखो फटाफट, क्या शुरू किया जाए भाई? देखो भाई सुनना ध्यान से, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो अच्छा कुछ बच्चे ना उसको लेकर कंफ्यूज थे, किसको बताओ, डायरेक्शन को लेकर, कि सर जो हाथ चलाने वाला आप बताए थे वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। एक आध बच्चे कुछ अलग जगह कंफ्यूज थे, उनके कंफ्यूजन को भी दूर कर लिया जाए, एक छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। देखो सुनो, अ स्मॉल पॉइंट, इसको हेडिंग टाइप का लिख लो। अरे ये कहां से आ गया, अ स्मॉल पॉइंट रिलेटेड टू राइट हैंड थंब रूल। जो हल्का सा कंफ्यूज कर रहा है ना
उस चूज को भी क्लियर कर लेते हैं। वैसे हम तो ये बात बता चुके थे, क्या बताओ कि हमेशा ए और बी के बीच का जो एंगल है ना उसी के अलोंग अपने हाथ को चलाना है। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है मान लेते हैं, इनके बीच का एंगल कितना मान लेते हैं, मान लो थीटा, ठीक है ओके। अगर हम किसी बच्चे से बोले कि ये बताओ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एकदम सिंपल कहानी थी, क्या हम बताए थे कि भाई अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड, राइट हैंड है क्या ये, ओहो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, हमें कंफ्यूज हो जा रहा लग रहा है ना, राइट हैंड लिए, अब अपने राइट हैंड को, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखते हैं और सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं, ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा वो हमको, जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो हमको डायरेक्शन दे देगा किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन अब सुनना ध्यान से, जैसे अब कुछ बच्चे ये बोले कि हमको ये मैसेज आता है, हम उसको बता देते हैं ये बात, ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हो सकता तुम लोग भी यहाँ कंफ्यूज हो तो हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं ये बात। देखो जैसे अगर हम इसको ऐसे किए, ऐसे किए तो किसी बच्चे दिमाग में आएगा सर ऐसे भी तो घुमा सकते हैं ऐसे ही, अरे अगर हम ऐसे घुमाए तो ये पाम घूम जाएगा कि नहीं, पाम नहीं घूमना चाहिए, हमें बताए थे ना। या ऐसे याद रखो कि दो वेक्टर के बीच जो स्मॉलर एंगल होता है हमेशा उसकी तरफ घूमते हैं, जो स्मॉलर एंगल होता है, जैसे अब एक एंगल अगर ये थीटा दिख रहा है तो एक एंगल ये वाला भी दिख रहा है कि नहीं, बोलो ये थीटा और ये इधर वाला एंगल, तो ज्यादा वाला एंगल है, हमेशा स्मॉलर एंगल की तरफ घूमते हैं। और एक और बात हम बता चुके थे, दो वेक्टर के बीच जो एंगल लेते हैं वो स्मॉलर वाला लेते हैं, दो वेक्टर के जो एंगल था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसकी दो बातें हम सिखाए थे। पहली बात क्या थी कि वो एंगल हमेशा 180 या 180 से कम होना चाहिए, दूसरा हम ये सिखाए थे कि हमेशा स्मॉलर एंगल लेके चलेंगे, हेड हेड टेल टेल, तो वो तो वाली कहानी तो थी, ठीक है अच्छा, तो स्मॉलर एंगल की तरफ हमेशा हाथ को घुमाना है, ठीक है, फिंगर्स को हमेशा स्मॉलर एंगल की तरफ घुमाना है। पहले वेक्टर की तरफ स्ट्रेच किए, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बोलो भाई ए क्रॉस बी किधर आ गया, ए क्रॉस बी जो आया वो अंदर, और अंदर की तरफ हम लोग किससे दिखाए थे, क्रॉस से, बोलो। अब सिमिलर तरीके से अगर किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए सोचा जाए एक बार, तो ये भी सिंपल कहानी, भाई बी क्रॉस ए सोचो, बी क्रॉस ए सोचेंगे तो बी की तरफ स्ट्रेच किए, ए की तरफ कर्ल कर किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और बाहर वाले किससे दिखाए थे, डॉट से दिखाए थे, तो कौन सा पॉइंट ऐड कर रहे हैं हम लोग, जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट वो क्या है, वो ये है ऑलवेज ऑलवेज कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर एंगल। भाई ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग हमेशा किधर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, उधर की तरफ जिधर का एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या ये कहानी समझ में आई, बोले हाँ सर अब तो ये कहानी समझ में आ चुकी है, ओके भाई यहां तक तो हो गया। अच्छा ये छोटा सा पॉइंट हम ऐड करना चाह रहे थे, हम हल्का सा ना फिगर के करेस्पॉन्डिंग में तुमको समझाना चाह रहे हैं, एक बार देख लो अच्छे से। जैसे देखो क्या बोल रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं ना कि जो ये वेक्टर है, जो भी वेक्टर हम दिखाएंगे, जो भी मार्कर से हम वेक्टर को दिखा रहे हैं, तो जो कैप है ना कैप उसको हेड मान के चलना, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, देखो ये कागज है ना कागज, इस कागज का एक प्लेन है कि नहीं, जिस प्लेन में कागज रखा हुआ, ठीक है, तो हम इस कागज को एज ए प्लेन लेके चल रहे हैं। तुम ध्यान दो यहां दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स, ठीक है, किसी एक को ए मान लेते हैं, किसी एक को बी मान लेते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से चलते हैं। देखो ए ये ऐसे, देखो इस वाले को हम लोग क्या मान ले लेते हैं, इस वाले को हम लोग ए वेक्टर मान ले रहे हैं और इस वाले को बी वेक्टर मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गया। ध्यान देना ये वाला क्या है, ये वाला है ए वेक्टर, रटो इस बात को, ये वाला है ए वेक्टर, ये वाला है बी वेक्टर, ठीक है, देखना देखो, वैसे हम उसको पकड़ ले रहे हैं, ये ऐसे देखते जाओ, ये ऐसे है ना, देखो बोर्ड पे ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला है ए वेक्टर, देखो बी वेक्टर तरफ फिंगर को हम स्ट्रेच किए, ए वेक्टर की तरफ कर्ल किए, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, बी वेक्टर ए वेक्टर, देखो ऊपर तरफ आ रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ डॉट, देखो ऐसे हमारी तरफ, तो डॉट हम बोल रहे हैं। अगर हम ए क्रॉस बी की तरफ नीचे आ रहा है कि नहीं, तो ध्यान देना अगर हम लेट से बी क्रॉस ए की बात की, तो बी क्रॉस ए ऐसे आ रहा है कि नहीं, ऐसे। यहां हम एक इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाले हैं,
वो ए क्रॉस बी में बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेगा, ठीक है। ट्वेल्थ में भी जाके बहुत काम में आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। और अगर ट्वेल्थ में हो या टारगेट बैच में, तो उसको ध्यान से एकदम समझ लो इस चीज को कि ये कभी तुमको दिक्कत नहीं करना चाहिए। देखो अभी ये कौन सा राशन है, ये कौन सा वेक्टर, ये है बी क्रॉस ए। क्या ये बी क्रॉस ए इस बी से परपेंडिकुलर है कि नहीं, बोले हाँ सर है। ए से भी परपेंडिकुलर है नहीं, बोले हाँ है। अगर ए क्रॉस बी होता ये तो नीचे की तरफ होता, और अगर नीचे की तरफ होता तो भी ये बी और ए दोनों से परपेंडिकुलर हो जाता है कि नहीं, देखो दोनों से परपेंडिकुलर। अरे इस प्लेन में कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो चाहे वो ए क्रॉस बी को देखेंगे चाहे बी क्रॉस ए को देखेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर तो होगा, बोलो भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहां से सीखें। देखो तो पहले ये वाली बात तो अच्छे से नोट कर लो, फिर अब हम लोग प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। इसको नोट कर लो और अब हेडिंग लिख लेंगे। हेडिंग हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। भाई इंपॉर्टेंट कहानी, शुरू किया जाए क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, बारी बारी एक एक को डिस्कस करेंगे और हम यहां पे साथ में कंपेयर करेंगे किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का और वेक्टर, मतलब सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, या वेक्टर प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का, जो भी ठीक लगे बोलने में, ठीक है। चलो, अरे फिर गड़बड़ खींच दिए क्या? चलो भाई, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कि भाई कौन फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता, ठीक है, ध्यान देना। इस तरफ क्रॉस इस तरफ डॉट की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर बोला जाए कि ये बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम बोल रहे हैं एक बार ना, इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये सही है, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर तुमको हल्का भी डॉट प्रोडक्ट की बातें भूल रही, हल्का फुल्का भी, तो तुम फिर से जाओ डॉट प्रोडक्ट जिस लेक्चर में पढ़ाए थे, जिस वीडियो में पढ़ाए थे, उस वीडियो को पहले रिपीट करो फिर आओ, क्योंकि ऐसे थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन एक बात एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि तुम्हारा दोनों जो फॉर्मूला है, दोनों जो ट्रिक है, दोनों तरीके हैं, वो सब एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं भाई, बताओ दोनों सही है दोनों गलत है कि कोई एक सही है, सोचो समझो ध्यान से, बताओ 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 बताओ। तो बोले सर इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ये सही नहीं है, क्यों बताओ? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है इस वाले, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड पक्के तौर पर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई। क्या आया था? ए बी साइन थीटा, क्योंकि आगे पीछे लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैग्नीट्यूड सेम, ये बात लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। लेकिन अगर हम सिमिलर वे में बोलें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बताओ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये वाली बात भी सही। अरे भाई अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आया और मान लो आ गया ये 20 जे कैप, बोलो ए क्रॉस बी, तो जो बी क्रॉस ए आया था उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, तो माइनस ऑफ 20 जे कैप होगा कि नहीं? अरे तो हम किसी के आगे माइनस लगा लेंगे तो वो अगला वाला दे देगा कि नहीं? चाहे हम बी क्रॉस ए में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर हम ए क्रॉस बी में माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए आ जाएगा। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर ये तो सही है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखना सुनना ध्यान से, ये यहां तक की कहानी हुई, अब इस पे बात करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है? बोले बिल्कुल ये तो सही ही है। बोलो भाई तो ये दोनों बातें हम लोग एकदम समझ कर रखनी कि ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर माइनस लगा देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इक्वल होता है भाई, सिंपल बात है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो केवल मैग्नीट्यूड देगा, तो हम चाहे ए बी कॉस थीटा लिखें और चाहे फिर बी ए कॉस थीटा लिखें, अरे सेम ही तो कहानी है भाई, क्योंकि बस आगे पीछे लिखा हुआ है। यहां भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही था और ये बेचारा केवल मैग्नीट्यूड दे ही रहा है, तो ये सेम है, ये सही है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो
करते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एकदम साफ साफ समझ में आना चाहिए किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे? जैसे हम बोले कि ये देखो 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 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोले बताओ क्या लिखेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है, क्या लिख लेंगे इसको, इसको हम लिख लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बात समझ में आ रही क्या? सिमिलर तरीके से अगर हम यहां ध्यान दें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसका मतलब कि ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट भी और डॉट प्रोडक्ट दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या यहां भी कोई कहानी है? यहां हल्की सी कहानी है, क्या कि यहां ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम इस चीज को ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देख क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, तो उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि जिस सीक्वेंस हमको मिला होगा हम लोग को उसी सीक्वेंस में इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ कहानी नहीं है, इसको हम बिल्कुल आराम से आगे पीछे लिख सकते हैं। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है। क्या ये सर ये सब केवल थ्योरी में पूछा जाएगा? क्या इससे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं? बोले बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। अगर तुम बोर्ड के करेस्पॉन्डिंग इसको पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, और अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें कभी इसको यूज कर लेंगे, कभी इसको यूज कर लेंगे, कभी ये यूज कर लेंगे, वो हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वेक्टर में हमसे मिस्टेक हो रहा है तो ऐसे छोटे छोटे लॉज है जो हम लोग फ्लॉ कर रहे हैं, जो हम लोग की कमी है, इसकी वजह से वेक्टर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मिस्टेक हो रहा है और हमसे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसलिए इस तरह से मत देखो कह रहे सर तो बोर्ड का लॉ है, बोर्ड का फॉर्मूला केवल बोर्ड में लिखने में काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको तुम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे होगे तो बिल्कुल अच्छे से समझो, और इस पे बेस अगर क्वेश्चन आएंगे तो तुमको वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ ये लॉ था जो हमको नहीं पता था, जिसकी वजह से क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था। बात समझ में आ रही है? हम तुमसे बोले ना कि वेक्टर एक अकेला चैप्टर नहीं है, वेक्टर कई सारे चैप्टर में यूज होने वाला तीर है, कमान तीर नहीं, किसी दुश्मन को मारना हो तो वो ये वाला तीर है जो अगर वेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जैसे फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम लोग वेक्टर के इन सब बातों को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं आप, देखना हटा दें इसको, हटा दें, देखो भाई देखो ये दोनों बहुत बढ़िया है, ये तो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत सुंदर है, ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, कोई सीक्वेंस रटने की जरूरत नहीं है, बेचारा किसी सीक्वेंस में आगे पीछे कैसे भी लिख दो ये एकदम आराम से उस चीज को फॉलो कर लेगा, ठीक है। अच्छा देखो एक और बात करते हैं भाई, जैसे अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, जैसे अगर कभी पूछा गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि चलो बताओ अब कैसे लगेगा, तो बोले एकदम सिंपल है, हम जो बताएं उस चीज को रटो, क्या कि कभी भी सीक्वेंस नहीं बदलना, क्रॉस प्रोडक्ट आए तो एकदम रट लो कि जिस सीक्वेंस में होगा उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस थ्री वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में तो मस्त है, एकदम आराम से हंसते खेलते जैसे मन करे वैसे आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कहानी है, ठीक है। तो समझ कर रखना कि इस केस में सिक्वेंस को नहीं बदल सकते हैं, इस केस में हम जब चाहे तब सीक्वेंस को बदल सकते हैं, सी डॉट ए डी डॉट ए कुछ भी कर सकते हैं, सीक्वेंस को बदलो मत बदलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बी डॉट सी रहने दो इसको, इसको डी डॉट बी कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है कि हम एकदम आराम से यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो हम इंटरचेंज कर भी ले तो भी वो सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कहानी, लेकिन यहाँ कहानी बदल जाएगी भाई, इसलिए इसको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको नोट कर लो और आगे बढ़ रहे हो। एक और थर्ड प्रॉपर्टी भाई,
प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट विथ इट्सेल्फ, खुद के साथ, पता चला खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया अगर तब प्रोडक्ट विथ इट्सेल्फ। बोले अच्छा अच्छा सर, मान लो कि हमको ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है और मान लो कि हमको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है, ठीक है, ध्यान देते हैं एक बार भाई ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला था। अगर हम बोले ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा ए वेक्टर भी लेके आ गया वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री हो गया कि नहीं। तो अगर हम फॉर्मूला पे लिखें ये, तो क्या आ जाएगा, ए ए साइन जीरो, बोलो साइन जीरो आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। एक्चुअली में लेकिन ये इसका क्या, ये मैग्नीट्यूड वाइज होगा। अरे भाई किसी भी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो पीछे एन कैप भी था कि नहीं, और जिसका मैग्नीट्यूड जीरो था उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं, और जो जीरो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, ये हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं। बोले अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब कि अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब कि अगर कभी भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं खुद के वेक्टर के साथ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो वेक्टर आएगी, ठीक है। यहां ध्यान देते हैं, यहां क्या आएगा, ए ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि अगर कभी भी दो वेक्टर का, मतलब सेम वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किए तो वो जीरो वेक्टर दे देगा, और अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किए तो वो स्क्वायर दे देगा। इस पर हम एक छोटा सा यूपीटीओ का क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे देखो वहां ये बोले थे क्या कि राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी, राइट डाउन, ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इसको भी नोट कर लो, राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई, वेक्टर फॉर्म में वो काइनेटिक एनर्जी को पूछे। भाई देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको रटा है, रटा है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और किसी भी तरह की एनर्जी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, हम बता चुके हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पक्के से स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन वो तो अलग ही चीज पूछनी है। वो पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी का वेक्टर फॉर्म में पूछा जा रहा है, तब क्या किया जाए। देखो हम ऑप्शंस दे दे रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन हाफ एम वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेकंड हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, थर्ड हाफ एम वेक्टर इंटू वी स्क्वायर, फोर्थ हाफ एम वी स्क्वायर वेक्टर, बताओ कौन सा सही है, बोलो भाई, बोलो 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 फटाफट, एक मिनट लिए वीडियो रोको, जल्दी से बताओ आंसर, क्या ये सही है। बोले नहीं, सेम का सेम साथ मल्टीप्लाई करता तो जीरो ही आ जाएगा, काटेगा जी हमेशा जीरो थोड़ी होता है, v डॉट v क्या आएगा, v स्क्वायर, तो ये सेकंड सही है क्योंकि काटेगा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, थर्ड सही क्या, नहीं, अरे मास्टर स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर वेक्टर एरो कैसे बना सकते हैं, और ये गलत है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर वेक्टर थोड़ी होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम बताए ना ये बात कि कई जगह घुमा घुमा के कई बार इन्हें छोटी छोटी प्रॉपर्टी से कई सारी बातें पूछी जाएंगी, हम लोग खुद ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहां हम बोलेंगे कि देखो हम लोग जो प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे उन्हीं में से ये एक है, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ रहे हैं भाई, सुनना ध्यान से, अच्छा इधर देखो और आगे बढ़ रहे हैं, सुने बोले 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 बोले, देखना एक और भाई हेडिंग लिख लो, नोट, नोट पॉइंट में बात करते हैं, हेडिंग नोट, सुनना देखना ध्यान से, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, भाई अभी जो बात की उसी पे आ रहे हैं, टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो जाए, याद आ रहा है अभी ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन में लिए थे, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज आई ई मतलब दैट इज होता है, ठीक है, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों वेक्टर जो हों वो एक दूसरे के क्या हो जाए बताओ, पैरेलल, अच्छा मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री, हम बोले दो डिफरेंट अगर वेक्टर्स हैं उनके बीच का वेक्टर एंगल अगर जीरो डिग्री, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा कि नहीं, चाहे दोनों एक्स में चाहे दोनों वाई में चाहे फिर दोनों जेड में, ठीक है। अच्छा देन मान लेते हैं वो दोनों वेक्टर कौन कौन से हैं,
मान लेते हैं वो दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो हम एकदम सिंपल बोल सकते हैं कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो जीरो आएगा, या फिर मैं से बोल सकते हैं कि भाई दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो वेक्टर होगा। अरे भाई बोलो, क्योंकि तो साइन जीरो जीरो कर देगा नहीं, चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है। बोले हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, याद करो। याद करो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां बोले थे कि अगर कभी भी किसी भी चैप्टर में दो वेक्टर को परपेंडिकुलर बोल दिया गया तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। सिमिलर तरीके से अगर दो वेक्टर को एक दूसरे के पैरेलल बोल दिया गया तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और छोटे छोटे क्वेश्चन से अब कहानी स्टार्ट की जाएगी, शुरू करें, हटा देते हैं इसको भाई। देखो सुनना ध्यान से, अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग पिछले टर्न पे डायरेक्शन के बारे में बात कर लिए थे, हम लोग पिछले टर्न पे ये भी सीख चुके हैं कि किन्हीं भी दो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर किया गया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखना सुनना ध्यान से। जैसे छोटू सा क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दोनों चीज पूछा गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी। ये हम लोग का वही पुराना फेवरेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया गया है यहाँ पे। ये रहा वही, ये कौन वही, ये यही वाला वही और ये यही वाला वही, ठीक है। अरे इसे तो पता ही होगा। अब मान लेते हैं कि इधर है हम लोगों का ए वेक्टर, जिस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है 20 यूनिट, और इधर वेक्टर दे दिया गया है कितना 53 डिग्री, और इस जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है कितना, कितना दे दिया जाए बताओ, इसका दे दिया गया है 5 यूनिट। चलो भाई बताओ ध्यान से, बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बताना है। रुको वीडियो 2 मिनट के लिए, हो जाना चाहिए क्वेश्चन 2 मिनट में। चलो कर लिए ट्राई, देखो सुनना ध्यान से भाई, एक सिंपल फॉर्मूला यूज हम लोग कर सकते हैं। देखना सॉल्यूशन पे आए अगर हम, तो हम ये बात तो बता दिए थे कि चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे फिर बी क्रॉस ए हो, एक मिनट, चाहे फिर बी क्रॉस ए हो, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो पक्के से सेम होगा, चाहे हम ए बी साइन थीटा लिख लें चाहे बी ए साइन थीटा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। बोले हाँ सर सही बात है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले भाई, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 20, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5, साइन 53 की वैल्यू कितनी, साइन 53 की वैल्यू जो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 4/5, यहाँ 5 उठ जाएगा, 4 × 2 = 8, तो कितना आ जाएगा ये 80। बोलो भाई 80, और जो भी यूनिट रहा हो वो उतना ही आ जाएगा इसका यूनिट। जैसे ये यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट का मतलब जैसे अगर ये मीटर में है, ये मान लेते हैं भाई हम लोग का किस में हो गया, ये मान लेते हैं केजी मीटर पर सेकंड में हो गया, या फिर ये मीटर में, ये न्यूटन में हो गया, तो यहां न्यूटन मीटर लिख लेंगे। तो यहां यूनिट नहीं, यूनिट वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब कि यहां कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम ला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूनिट, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग हमारी फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी, इसलिए जनरल बात जब करनी होती है ना तो क्वेश्चन में वहां पे क्या लिखा होता है, यूनिट लिखा होता है, ठीक है। तो यहां जो भी यूनिट होगा वो हम यूनिट यहां लगा देंगे, इसका भी और मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट, ठीक है ओके। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि सर ये बताइए कि हम ए क्रॉस बी लिखें कितना। तो देखो ना किसी भी वेक्टर साथ क्या होता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 80, ठीक है, और ए क्रॉस बी निकाल लिया जाए भाई, ए की तरफ फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, अब स्मॉलर एंगल की तरफ घूमना, ऐसे नहीं कैसे पूरा इस वाले एंगल घूम गए, स्मॉलर एंगल की तरफ घूमेंगे, ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ए की तरफ स्ट्रेच किए, बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल किए, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, डॉट। बोलो भाई ठीक है। अच्छा सिमिलर तरीके से अगर हम लोग बी क्रॉस ए देखें, बी क्रॉस ए, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा, पहले वेक्टर तरफ फिंगर को स्ट्रेच कर लिए, दूसरे वेक्टर तरफ कर्ल करेंगे तो फिंगर किधर की तरफ दिखा रहा है, अंदर की तरफ, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, क्रॉस आएगा कि नहीं, बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या। तो ये इस तरीके से ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 80 डॉट, और जो बी क्रॉस है वो क्या आ जाएगा 80 क्रॉस। क्लियर है कहानी, चलो नोट करो इसको और आगे बढ़ रहे हैं भाई, सुनते जाओ ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से बनने चाहिए, बिल्कुल कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं होनी चाहिए इसमें, ध्यान से देखो करो और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे और क्लैरिटी बढ़ती ही जाएगी।
बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर तुमको लगता है कि अरे सर मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, दो दो बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। एक और बार पूछा लगा दे, एक मिनट रुक जाओ, पूछा 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 गायब हो जा। चलो देखो अब हम लोग बात करते हैं आगे, भाई सुनना ध्यान से। अच्छा ये बताओ, मान लो छोटा सा क्वेश्चन देख, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 10 meters per second। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार विस्टार लगा लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर, इफ इफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर नहीं, इफ एंगुलर मोमेंटम, अरे सर ये क्या चीज आ गई, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, देखो सुनो ध्यान से, हो सकता है एंगुलर मोमेंटम नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम एंगुलर मोमेंटम को यहां फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्या है, ओपी वेक्टर क्रॉस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ठीक ही है, ठीक है, ओपी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर या फिर एम बी वेक्टर। देखो जो एंगुलर मोमेंटम है ना उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां पे ये जो पी है ना इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलो तो ये एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम, और ये जो आर है वो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि भाई कोई पॉइंट है यहां से इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन है ये, ठीक है, और उसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग किसे दिखा रहे हैं, आर वेक्टर से, क्लियर हो रही कहानी। तो ये इस तरीके से है, तो हम लोग ये डिफाइन कर लिए एल वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिए हैं। तो एक चीज तो हम लोग को क्लियर हो रही है कि ओपी कोई एक वेक्टर है, एम भी कोई एक वेक्टर, और इन दोनों का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका मास दे दिया गया, इस पार्टिकल का कितना है वो 2 kg, ठीक है। फिगर बना लेते हैं क्योंकि एज सोन इन फिगर बोला हुआ है, तो यहाँ फिगर बना लेते हैं, देखना कि भाई ये हम लोग का ओरिजिन हो गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 meters, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये पार्टिकल है, इसको हम लोग पी बोल दे रहे हैं, और ये पार्टिकल जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है किधर की तरफ चल रहा है बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 10 meters per second। ये बात समझ में आ रही है क्या, बस ठीक है ये, हाँ सही है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज दिस, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इफ एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, देन फाइंड नंबर एक एंगुलर मोमेंटम। पहले तो यही क्वेश्चन है, पार्ट्स में करेंगे इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम लोग इसका क्या बता देना है, एंगुलर मोमेंटम। चलो भाई वीडियो रोको 5 minutes के लिए, ट्राई करो तो एक बार, क्वेश्चन कर लो अच्छे से ट्राई, हो गया क्या, देखो सुनना ध्यान से भाई, बात करते हैं, ये वाला हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, सॉल्यूशन पे आते हैं, कर लिया ट्राई ना, ध्यान सुनना भाई। भाई अगर हम लोग एल की बात करें कि सर ओपी वेक्टर, तो ओ से पी की तरफ हम लोग एक लाइन ऐसे जो डॉटेड लाइन है इसको ऐसे मिला दिए, ये हम लोग का क्या हो गया, ओ पी वेक्टर, बोलो भाई ये हुआ कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। अच्छा ये बताओ अभी इन दोनों का क्या मिला हुआ है, ओपी वेक्टर का और जो वी वेक्टर है उसका क्या मिला, बोले हेड और टेल मिला हुआ है, लेकिन हम लोगों को एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि एंगल फाइंड करना जरूरी है भाई, एंगल ही तो है जो हम लोग लिखेंगे ना, अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो वो क्या आएगा, ओ पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस एम बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये कितना आएगा, ओ पी
एम वी साइन थीटा, अरे यही तो होगा ना भाई। तो ध्यान देते हैं हम लोग एक बार, ये बताओ कि अगर हम इसको आगे बढ़ा दिए तो ये हम लोग का ओपी वेक्टर हो गया कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो एंगल है ये एंगल ही ओपी और एमवी के बीच, अरे जिधर वी होगा उधर ही तो एमवी होगा ना, क्योंकि एम तो केवल स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो अगर ये थीटा है तो सिमिलरली ये भी थीटा होगा कि नहीं। तो अगर तुमसे बोले कि चलो बताओ यहां से साइन थीटा क्या आएगा, तो हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है कितना बताओ, परपेंडिकुलर है 2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस जो है वो तो ओपी है, अरे ओपी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि नहीं ये वाली वैल्यू बोलो। अगर हम साइन थीटा यहां पुट कर ले, देखना ध्यान से, ओपी वेक्टर एम वी, एम कितना है, एम है 2, वी कितना है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 2 अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, ओपी ओपी उड़ा देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 40 आया कि नहीं 40। यूनिट ध्यान दो तो एक बार, मास का यूनिट केजी, स्पीड का वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, और ये भी एक तरह का डिस्टेंस है कि नहीं। अरे भाई 2 मीटर दिया था ना, ओपी भी एक डिस्टेंस था, तो मीटर अपॉन मीटर, इसका मतलब पक्के से ये 2 मीटर रहा होगा, मीटर मीटर मल्टीप्लाई रहेगा तो कितना आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही, बोले हाँ सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, हम लोगों से तो एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ओपी क्रॉस वी, देखो ओपी क्रॉस एम वी, तो पहले ओपी की तरफ फिंगर को स्ट्रेच कर लेंगे, ओपी ठीक है क्रॉस ऑफ एम वी, तो किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं, अंदर की तरफ मतलब किधर की तरफ, अलोंग अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, अरे बोलो भाई, क्योंकि ये एक्स ये वाई है तो जो अंदर की तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड ही होगा कि नहीं। तो अगर हमसे एल वेक्टर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, 40 के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड माइनस ऑफ के कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से, बोलो क्लियर, नोट कर लो इसको। और बढ़ते हैं आगे भाई, देखना सुनना ध्यान से, बढ़िया आगे ना, देखना सुनना ध्यान से। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इज आफ्टर, इज ऐसे आफ्टर नहीं, इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस विथ टाइम, क्वेश्चन भाई चल क्या पूछ रहे हैं यहां पे, कि जो एंगुलर मोमेंटम है, इज एंगुलर मोमेंटम चेंजेस विथ टाइम, क्या एंगुलर मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो एक और बार, वैसे तो मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन मिट गया है फिगर, तो एक और बार बना लिया जाए भाई। ये रहा ओपी वेक्टर, ये रहा एम वी वेक्टर, एम और वी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि जिधर भी उधर ही एम वी भी होगा। m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू तो 2 kg, और जो वेलोसिटी था वो कितना था, m की वैल्यू 2 kg, जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकंड था, बात समझ में आ रही है। अच्छा तेरा कितना 2 इंटू 10 मतलब 20 kg मीटर पर सेकंड, बोलो भाई। अच्छा और ध्यान देते हैं, सुना ध्यान से, ये बताओ ये बताओ ये कितना वैल्यू, ये है 2 मीटर, क्या यहाँ वेलोसिटी हम कांस्टेंट बोले थे, बोले हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट बोला गया था, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि जब ये पार्टिकल, जो ये पर्सन या पार्टिकल जो भी है, वो जो चल रहा होगा वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा कि नहीं। तो बताओ अगर वो पार्टिकल या पर्सन को हम पी से दिखाए हुए हैं तो पॉइंट पी आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा कि नहीं, बोले बिल्कुल सर शिफ्ट होता जाएगा। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो जो पार्टिकल पी इनिशियल इसको कर लेते हैं, हो सकता है वो पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचे, तो बताओ ये जो O है वो कुछ और हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे ये P फाइनल हो जाएगा लेकिन अभी भी ये चल तो इधर ही रहा होगा, बोले हाँ सर ये बात तो सही है, चल इधर ही रहा होगा।
लेकिन ओपी वेक्टर बदल गया कि नहीं? बोले हाँ सर ओपी वेक्टर बदल गया। लेकिन ये बताओ जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था वो तो क्या था, ओपी का मैग्नीट्यूड एम वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा था कि नहीं? देखो ये पोर्शन तो कभी नहीं बदल रहा भाई, ये पोर्शन तो पक्के से 20 रहेगा। ओपी भले बदल रहा होगा लेकिन जो थीटा है वो भी हमेशा खुद को चेंज कर रहा होगा और वो हमेशा 2/mod of OP वेक्टर आएगा। भले अगर ये सीधा चलता रहेगा भाई, देखो सुनो ना, इसको आगे बढ़ाएंगे ये थीटा तो ये भी थीटा होगा और फिर हम साइन लिखेंगे तो 2/OP ही आएगा कि नहीं, और ये 2/OP बार बार उड़ा देगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? क्योंकि वेक्टर के बदलने के साथ साथ जो ओपी है वो जैसे 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 बढ़ता जा रहा होगा ऐसे ऐसे, तो धीरे 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 जो एंगल है वो भी घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो ओपी है वो बढ़ रहा है और जो थीटा घटने के साथ साइन थीटा भी घटेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो हमेशा हमको अल्टीमेटली कितना देगा, 2 ही देगा, और ये वैल्यू हमेशा 40 kg m² / s ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर ये तो सही है, ठीक है, अच्छा इतनी कहानी क्लियर है? बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके। डायरेक्शन की बात की जाए क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी, अभी तो केवल मैग्नीट्यूड की बात की है। देखो हमेशा ओपी वेक्टर ऐसे ही होगा, हमेशा एम वी इधर की तरफ ही होगा, इसलिए हमको इधर ही कर्ल करना पड़ेगा और हमेशा जो डायरेक्शन आएगा वो हमेशा अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन ही आएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है क्या वो कभी भी टाइम के साथ चेंज होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम will be 40 kg m² / s along of माइनस ऑफ k cap। क्या ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर सही, इसको नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमको एससी वर्मा में भी शायद मिल जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन अगर तुमको ठीक ठाक से बुक भी कर रहे होंगे तो जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। देखो ज्यादा किताबों मत फंसो भाई, ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताब खरीद कर, अरे सर ये भैया ये बता दिए, अरे चाचा ये बता दिए, दीदी ये बता दी, पापा ये बता दिए, तो कुल सारी किताब खरीद ली, मास्टर ये बता दिए तो मास्टर साहब से ये खरीद लिए, फिर स्कूल वाले ये बोल दिए तो हम स्कूल साहब से ये खरीद लिए, ऐसे 50 किताब खरीद लोगे तो फिर दौड़ते घूमते ही रह जाओगे, ठीक है। देखो इस बात को समझो भाई कि जितनी ज्यादा किताबें लेके चलते चलोगे ना तो कुछ पता नहीं चल पाएगा और रिवीजन कभी नहीं हो पाएगा। और देखो रिवीजन ही है जो तुमको अच्छा स्कोर अच्छा एग्जाम में नंबर ला के दे सकता है, ठीक है, चाहे फिर वो कंपटीशन हो चाहे फिर वो बोर्ड हो। तो हम तुमसे बोले हैं कई बार ये बात और फिर बोल रहे हैं भाई कि कुछ ही किताब पढ़ो, ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताब ले ली है और बैठ गया सब पढ़ने के, अरे सर अरे अरे सर 3 महीने में वो खत्म किया, अरे सर 2 महीने में ये खत्म किया, 1 महीने में वो खत्म किए, पता जब तक खत्म कर तब तक एग्जाम आ गया और फिर रिविजन का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए रिसोर्सेज कम रखो भाई, रिविजन का टाइम तभी तो बढ़ पाएगा ना। तो कोई एक दो मतलब से किताब एकदम सीरियस होकर पूछ लो कि नहीं सर अब क्या अच्छा है, कुछ जो बहुत सीनियर जिनको तुम एकदम पूरा मानते हो, चाहे वो हम हो चाहे क्लास के टीचर हो और चाहे फिर कोई भी भैया दीदी चाचा पापा कोई भी हो, अगर वो एक किताब बोल दे फिर उनको एकदम फॉलो करो और फिर उसी किताब को लेकर पूरे साल तक चलो। बार बार किताब स्विच करोगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे भाई, इसीलिए कम रिसोर्सेज रखो और ज्यादा रिविजन का टाइम बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अब यहां तक की बात हम लोग कर लिए, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं कि अगर हम लोग को कोई ए वेक्टर बी वेक्टर मिल जाए जिसमें यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हो, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सुनो हेडिंग लिख लो, फाइंडिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने वाले किसके टर्म में, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में। देखो इसको ना हम एग्जाम्पल के तौर पर ही स्टार्ट करेंगे, तो देखना सुनना ध्यान से। इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू दे दी गई कितना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कै कैप, ठीक है,
एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर, ठीक है भाई, हम लोग को दोनों वेक्टर मिल गया। चलो शुरू करते हैं कहानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। भाई जैसा सिखाएगा था वैसे करो, कि भाई पहले चुपचाप से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूरा पूरा ए वेक्टर और पूरा पूरा ए एक्स ए वाई ए जेड पूरा पूरा बी वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के टाइम बताए थे, आज ही बताए थे। एक आध सोचने लगे सर कौन से लेक्चर का है ये, अरे इसी लेक्चर में बताया ना अभी अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या बताएं बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम ये बताएं कि कभी भी सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। जो पहले उसको पहले रखेंगे, जो बाद में उसको बाद में ही रखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, सुनना ध्यान से। अब पिछले टर्न की जस्ट लास्ट वाली बातें याद कर लेते हैं। अगर सेम का सेम में मल्टीप्लाई किए थे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया था, मतलब आई क्रॉस आई जीरो आया था, जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे जीरो वेक्टर, के क्रॉस के जीरो वेक्टर आया था, ठीक है। डिफरेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी और हम लोग आई जे की कहानी सीखे थे, आई कैप जे कैप के कैप। अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। बोलो भाई ये सब बात समझ में आ रही है? तो उसी सब की कहानी दोहराएंगे। अब देखो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई तो जीरो, खत्म, नहीं लिखना है। ए एक्स बी वाई तो लिख लेते क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई क्या है, आई क्रॉस जे, ध्यान से देखना ठीक है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉक वाइज चल रहा है तो पॉजिटिव में कितना आएगा के कैप। एक बात समझो, इसके शॉर्ट ट्रिक भी हम सिखाएंगे लेकिन क्लियर सी बात है ना भाई। देखो मेहनत से बिल्कुल बचो मत, अगर तुम पहले मेन ट्रिक मेन तरीका जान रहे हो तभी तो शॉर्ट ट्रिक का मतलब आएगा ना, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि भाई कैसे आता है, फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, ओहो शॉर्ट ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। पता चला पहले शॉर्ट ट्रिक देख लोगे तो शॉर्ट ट्रिक ही टफ लगने लगेगी, ठीक है। तो पहले मेन मेथड तो देख ले, पहले तो पता चला कि अच्छा मेन मेथड कितना कठिन था, शॉर्ट ट्रिक उससे कंपेरेटिवली कितना आसान है, ठीक है। ओके भाई इसका इससे मल्टीप्लाई हो चुका, इसका इस वाले से किए तो आ चुका है, अब इसका इस वाले से करते ए एक्स बी जेड तो कितना आ जाएगा, प्लस में ए एक्स बी जेड क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो उल्टा चल गए, आई क्रॉस के उल्टा चल गए तो माइनस ऑफ जे आ जाएगा, तो माइनस यहां लिख लेते हैं माइनस ऑफ जे का। बोलो अब दूसरा शुरू करते, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, प्लस ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फिर उल्टा चल गए, देखो ऐसे जा रहे हैं ना, जे क्रॉस आई उल्टा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा माइनस ऑफ के कैप। हम बताए थे कि जो मिसिंग है उसी को लिख लेते हैं, देखो जे और आई था लेकिन के नहीं था, के लिखते हैं प्लस है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो माइनस और क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस, ठीक है ओके। फिर जे में जे का तो जीरो हो जाएगा, ए वाई बी जेड तो प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस में रहेगा और कितना आ जाएगा आई कैप, ठीक है ओके। और आगे बढ़ते हैं भाई, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस में ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस में आ जाएगा कितना जे कैप। बोलो भाई के क्रॉस आई हो गया, फिर के क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो उल्टा चल रहा है तो माइनस में क्या आ जाएगा के क्रॉस जे है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप और के क्रॉस के तो जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग का ये तो हो गया, ठीक ओके भाई। अब हम लोग ध्यान देते हैं ना, चलो ध्यान सुनना, आई कैप वाले को कॉमन लेते हैं, पहले आई कैप वाला खोज तो ले, ये रहा आई कैप वाला और ये रहा आई कैप, आई कैप आई कैप, तो क्या लिखेंगे अगर यहाँ से हम आई कैप कॉमन ले तो क्या मिलेगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है ओके। फिर हम यहाँ से माइनस जे कैप कॉमन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो सब समझ में आ जाएगा, माइनस जे कैप कॉमन लेना, ठीक है। अगर हम यहाँ देखो ये रहा जे और ये रहा जे, अगर हम माइनस ऑफ जे कैप कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, और प्लस ऑफ के कैप। अब हम के कैप कॉमन लेंगे, ये रहा के कैप ये रहा के कैप, तो पहले इसको लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? और इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या रे सर
ये तो गजब ही मेथड हो गया। नहीं, अगर बहुत खतरनाक बुद्धि वाले हैं, तो एकदम खतरनाक बुद्धि है हमारे पास, हम तो डायरेक्ट यही रट सकते हैं। तो अगर ये चीज ए और बी ऐसे है और ए क्रॉस बी अगर डायरेक्ट ऐसा रट लेता, तो मतलब गजब बुद्धि है, ठीक है, मतलब इतनी गजब कि हमको तो याद है नहीं, बहुत कम लोगों को याद होता है। अगर तुमको रट जाए तो फिर तो खतरनाक है, ठीक है, तो रट गया तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कोई बात ही नहीं आगे करनी है तुम्हारे लिए, तो भयंकर ट्रिक यही बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मैथ वाले बच्चों के करेस्पॉन्डिंग बात करें अगर हम, तो या कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये चीज़ रटना बहुत टफ है, कह रहे सर तो बहुत बड़ा फॉर्म लेके कैसे रटेंगे, ठीक है, तो उनके लिए एक भयंकर सुंदर सा ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, देखना। हम लोग कंपेयर कर सके इसलिए हम लास्ट वाली लाइन को नहीं मिला रहे हैं, नहीं मिटा रहे हैं, ताकि ये तो पता चले कि हम जो शॉर्ट ट्रिक से लाए हैं और जो ये मेन फॉर्मूला है वो दोनों सेम तो है, ठीक है, तो हम लास्ट वाली लाइन को नहीं मिटा रहे अभी, ठीक है, देखना। चलो देखो, अब हम लोग आते हैं किस पे, शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला जिससे इस तरह के प्रॉब्लम को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वापस वही कहानी के पहले ए वेक्टर बी वेक्टर लिख लिया जाए, कि जो ए वेक्टर है वो दे दिया गया है कितना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर की वैल्यू दे दी गई कितना, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल गया, ओके। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ए क्रॉस बी निकालने की, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ठीक है। क्या तरीका है भाई, देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहले दो मस्त बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन खींच लेते हैं, फिर यहां लिख लेते हैं आई कैप, फिर लिख लेते हैं जे कैप और फिर लिख लेते हैं के कैप। किसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले वो पहचानो, ए क्रॉस बी की, बी क्रॉस या सी क्रॉस, जो भी है, जो भी है, जो पहले है उसके एलिमेंट्स को पहले, जो बाद में है उसके एलिमेंट्स को बाद में लिखते हैं। तो कौन यहां पहले है, ए वाला पहले है। तो ए में आई का कौन सा एलिमेंट है, ए एक्स, जे का कौन सा एलिमेंट है, ए वाई, के में कौन सा एलिमेंट है, ए जेड। बाद में कौन है, बी, बी में आई का कौन सा एलिमेंट है, बी एक्स, जे में कौन, जे का कौन सा एलिमेंट है, बी वाई, और के का जो एलिमेंट है वो है बी जेड। यहां तक की कहानी क्लियर है? अच्छा, हमको लग रहा है यहां तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां तक की बात हुई भाई। अब कुछ महान 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 लोग हैं, या अगर तुम बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे, हो सकता है तुमको ये मैथ में पढ़ाया जा चुका हो या तो पढ़ाया जाएगा, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के नाम से पढ़ते हैं, सारणिक बोलते हैं, सारणिक, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के नाम से तुमको मैथ वालों को पढ़ना है ये, तो अगर ये यहां ये बात सीख ली है तो मैथ्स वालों को तो भाई मैथ्स में भी खूब भयंकर काम में आएगा, ठीक है। और अगर मैथ वालों को तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल, और अगर बायो वाले जो खतरनाक बच्चे कह रहे सर छोड़िए वो सब हमको तो यही रट चुका है, तो फिर कोई बात ही नहीं उनसे, वो तो एकदम प्रो लेवल के लोग हैं, तो वो थोड़ा बहुत स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर तुमको याद नहीं हुआ तो फिर इस ट्रिक पे आओ कि मैथ वालों के भी भयंकर काम का है, अगर बायो वाले भाई देखो तुम इस क्लियर बात रखो, देखो जो भी शॉर्ट ट्रिक, इतना लंबा फॉर्मूला याद रखो, ये कॉजन है ना इसमें, अगर कोई भी चीज हल्का फुल्का भी मिस किए आगे पीछे कुछ भी हुआ तो फिर भयंकर फंसोगे, जो तुमको लगेगा कि श्योर एंड सर्टेन आंसर सही है वही श्योर एंड सर्टेन गलत हो जाएगा, इसीलिए ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो करना कैसे है, करने का तरीका है कि भाई जो आई कैप है उसके पैरेलल ऐसे 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 कैसे छुपा लो इसको, मतलब ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट को छुपा लेंगे, जिसको लिखते हैं ना उसके पैरेलल परपेंडिकुलर एलिमेंट्स को छुपा लेते हैं, और हमेशा हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो आई कैप में छूट गया चार ही बच्चे की, नहीं हमेशा लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए वाई बी जेड, ठीक है, फिर माइनस ए जेड बी वाई। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही? अच्छा कैसे करते हैं, हमेशा ना शुरुआत प्लस से करते हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, शुरुआत हमेशा प्लस से करो, चाहे इस कॉर्नर से, चाहे इस कॉर्नर से, चाहे इस, चाहे किसी भी कॉर्नर से, लेकिन हम लोग फिजिक्स में हमेशा टॉप वाले से ही मतलब रखते हैं, तो प्लस से चालू किए, तो प्लस माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसीलिए आई कैप के साथ प्लस आया है, ठीक है यहाँ तक। फिर अब देखो माइनस ऑफ जे कैप, अब चलते हैं भाई इसको हटा देते हैं, गायब 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 गायब, ठीक है। अब जे कैप के पैरेलल परपेंडिकुलर को छुपा लो, फिर चार बचे कि नहीं,
फिर लेफ्ट टू राइट जाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, सिंपल आ गया भाई, क्या है ये ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। बोलो भाई क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर प्लस के कैप के लिए लेके चलेंगे, तो के कैप फिर से भाई के कैप के पैरेलल और के कैप के परपेंडिकुलर छुपा लेंगे, मतलब ये वाला ऐसे छुपा लेंगे, ये वाला ऐसे छुपा लिए, ठीक है। फिर भाई लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही, अरे ए वाई बी एक्स, क्या ये बात समझ में आ रही। बोले हाँ सर सही है, मिला लिया जाए। क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, क्यों हो सर, तो गजब शॉर्ट ट्रिक है, भयंकर, ठीक है, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर मिलता जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आ रही है, फिर से सुनो। क्या हम बोले कि पहले दो बड़े बड़े से लाइंस खींच लेंगे, आई जे के लिख लेंगे, पहले उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे जिसका पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशियंट पहले वाले के, फिर बाद में आई कैप जे कैप के कैप के बाद वाले के कोफिशियंट को लिखेंगे, और फिर उन दोनों के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे छुपा छुपा करेंगे। आई कैप तो ये छुपा लो, जे कैप तो ये छुपा लो, के कैप तो ये, तो इसको छुपाएंगे, ठीक है। पता चला ये लगाने बैठे और एग्जाम में तो लोग मतलब एक जो टीचर है वो तो हम लोग को सोचा कह रहे ये तो क्या कर रहा है, पहले नकल मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये यही एक बेसिक तरीका है, शुरुआत में हम लोग को ऐसे छुपा छुपा के हाथ रख रख के देखना होगा, उसके फिर जैसे हाथ रख रख के डांस का डिजाइन जब हो जाएगा कि ये पहले ऐसे 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 कर लिए, उसका फिर खुद आइडिया दिमाग में चले जाएगा कि अच्छा फिर अब छुपाना ये छुपाना, तो फिर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, खुद ही आइडिया लगता जाएगा कि देखो आई कैप है ये छुप गया, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, हर बार यही करना है, ठीक है। दो तीन चार क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो फिर ये भी हो जाएगा आदत में, ठीक है। ख्याल रखना है प्लस माइनस प्लस, जे कैप वाले साथ हमेशा माइनस लेके आएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले ए का ही एलिमेंट हो, अगर बी क्रॉस ए पूछा जाता तो पहले बी का एलिमेंट होता और बाद में ए का एलिमेंट होता, ठीक है। तो क्या हटा दिया जाए, चलो भाई सुना ध्यान से। अच्छा कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे हमसे, फिर ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि जैसे डॉट प्रोडक्ट का आप तो यूज बताए थे कि वर्क डन अगर निकालना होगा तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम कहां बताए बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम ट्वेल्थ में बताए हैं। तो कोई बच्चा हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि इसका इलेवंथ में कहीं यूज नहीं है क्या, तो है ना, इलेवंथ में यूज तो है ही भाई। अभी देखो हम लोग वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम था ना एक टर्म, ओपी वेक्टर क्रॉस एमबी वेक्टर, तो वो एंगुलर मोमेंटम ना हम लोग आगे जाके रोटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां तो यूज है ही, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखना है तो देख लो एग्जाम्पल्स, ये ऐसे अलग से इसको छोटा सा पॉइंट करके लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। कि भाई हम लोग को एग्जाम्पल जानना है कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो पहला तो हम लोग देख ही लिए, क्या था, एंगुलर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम भाई किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ पे आर जो पोजिशन वेक्टर है और ये जो पी है वो क्या है, ये है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एम वी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई, बोले हाँ सर ये तो सही है, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं भाई, एक आध कुछ और एग्जाम्पल, ये टॉर्क, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, टॉर्क ऐसे मस्त डिजाइन में बनाते हैं, ऐसे टी को ऐसे ऐसे डिजाइन और फिर ऐसे उल्टा खींच भी देते हैं, ठीक है। क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा क्लियर है, पोजिशन वेक्टर और ये फोर्स है, ये वो दो हैं जो मेन जो हम लोगों को कहाँ देखना है बताओ, इलेवेंथ में देखना है, मेन है ये, ठीक है। और भी बहुत हो सकते होंगे, अब अभी हमें ख्याल नहीं आ रहा है, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम फिलहाल तो इतना ही देख लेते हैं, ठीक है। एक कुछ और भी है, एक आध दो अगर हम और दिखाने की कोशिश करें, जैसे एक और अगर हम देखें तो वो है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, मे बी ये टेंथ में तुम लोग देखे हो अच्छे से, मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इक्वल क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला, क्लियर है क्या। अच्छा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां पे ये बी क्या है, ये बी है
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये वो है जो हम लोग ट्वेल्थ में देखेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ में तो खैर बहुत सारे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही फॉर्मूले हैं, बट हम यहाँ बेसिक सा एक बता दिए कि क्रॉस, हम बताए थे ना कि भाई देखो डॉट प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोग के सिलेबस में भी खूब है और क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम बता दिए, नोट कर लो इसको। अब हम लोग प्रैक्टिस चालू करते हैं किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की भाई, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो अभी हम लोग सीखे हैं डिटर्मिनेंट बना के करने वाला, उसको देखते हैं, ठीक है। हटा रहे हैं सबको, देखो सुनना ध्यान से, छोटू सा क्वेश्चन, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल एफ वेक्टर इक्वल, देखते जाओ, एफ वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप न्यूटन एंड एट एनी इंस्टेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मीटर, देन फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। भाई ये रहा जैसा फॉर्मूला हम बता दिए तुमको अभी, और उसी पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन भी आ गया। क्या पता हम लोगों को, एफ वेक्टर पता है और आर वेक्टर पता है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, टॉर्क पूछा जा रहा है। भाई सिंपल सी कहानी है, वीडियो रोको, 5 मिनट हो जाना चाहिए, डिटरमिनेंट बना के करो उसको, ट्राई करो, ईमानदारी से ट्राई करते चलो भाई, कर लिए ना। देखो सुनना ध्यान से भाई, कहानी स्टार्ट करते हैं कि चलिए सर शुरू किया जाए, तो सॉल्यूशन पे आते हैं, सुनना ध्यान से भाई। टॉर्क का फॉर्मूला अभी हम क्या बताए थे, टॉर्क का फॉर्मूला था आर क्रॉस एफ, और ये बात क्लियर रखो कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करा तो एफ क्रॉस आर लिखना एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते शुरू करते हैं भाई, आई कैप जे कैप के कैप, पहले आर के एलिमेंट, क्योंकि पहले आर है तो आर ये रहा, 1 - 1 - 1, 2 - 1 - 2, सही है क्या, ये शुरू किया जाए ना भाई। देखो चलो देखना ध्यान से, टॉर्क वेक्टर अगर हम लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, देखते जाओ ऐसे छुपा दिए, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, तो -2 और -1, तो -2 फॉर्मूले का माइनस और फिर ये 1, बोलो। फिर जे कैप के लिए क्या लिखते थे, माइनस जे कैप, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। अब जे कैप को लिखेंगे तो ऐसे छुपा लिए, लेफ्ट टू राइट, देखो ऐसे छुपाएं अगर तो लेफ्ट टू राइट ऐसे गए ऊपर से नीचे, तो 2 फिर -2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 फॉर्मूले का माइनस और ये 2, फिर प्लस के कैप, देखना ध्यान से, के कैप ये इसको छुपा लिए ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट 1 - 2, और एक और माइनस की वजह से +2 हो जाएगा, तो 1 - -2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ, -3 और ये -3i कैप, ठीक है, ये तो 0 हो गया, और फिर 3k कैप, तो -3i कैप +3k कैप, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है, ये इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ना बहुत तरह तरह के पूछे जा सकते हैं, अगर हमको फॉर्मूला लर्न है, हमको पता है कि भाई टॉर्क का, देखो हमको ये नहीं, हम लोग को ये नहीं पता अभी कि टॉर्क क्या होता है, पोजीशन वेक्टर किसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टॉर्क किस काम में आता है, सब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस तरह के जो प्रॉब्लम होंगे वो केवल वेक्टर के नाम पे भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल वेक्टर में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में रोटेशनल का है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ केवल वेक्टर समझ के भी उसको आराम से कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हम बताए ना ये बात कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुमको वेक्टर की कहानी समझ में आ गई ना, तो चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, कुछ इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन होंगे जो केवल वेक्टर के नाम पे भी अब हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चार्ज ऑफ
टू कूलम इज मूविंग इज इंटर्ड इफ अ चार्ज ऑफ टू कूलम इंटर्ड इन uniform magnetic field b vector equals to I cap plus j cap minus k cap tesla इसको t से दिखाते हैं, ठीक है, tesla होता है magnetic field का, जो m k unit या si unit होता है वो tesla होता है, ठीक है, tesla with कांस्टेंट या विथ वेलोसिटी कर लेते हैं, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वो तो फिर घूमने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको घुमाना शुरू कर देगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो विथ वेलोसिटी टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड नंबर एक मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, जैसे अब दिमाग में हम लोग को ये समझ में आ सकता है कि अरे सर यहाँ तो कुछ अजीब अजीब नाम चल रहा है, चार्ज नाम है, मैग्नेटिक फील्ड नाम है, वेलोसिटी नाम है, मैग्नेटिक फोर्स नाम है, तो बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, इसका का कुछ आप नाम बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तुम ये बताओ, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डिस्कस किए हैं कि नहीं, क्या फॉर्मूला है बताओ। हम बोले एकदम सिंपल कहानी है भाई, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है कि नहीं। बोले हाँ सर सही बात है, अगर वी क्रॉस बी तो बताओ हम लोग वी वेक्टर पता है कि नहीं, वी वेक्टर पता है, हाँ वीरा गिरा वी वेक्टर, और बी वेक्टर पता है, बोले हाँ सर पता है, तो क्या हम लोग वी क्रॉस बी निकाल सकते हैं कि नहीं, उसमें हम लोग क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या हमको एक वेक्टर मिल गया एफ वेक्टर, क्या हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते, बोले बिल्कुल, क्या हम उस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते, बोले बिल्कुल, कैसे, किसी वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम लोग को डायरेक्शन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत अलग सा है, एक्चुअली में 12th में भी ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, तो 12th के बच्चों को लगेगा जैसे 12th का क्वेश्चन है ये, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन 12th का नहीं, ये वेक्टर का 11th का ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम तुमको यहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगाओ ढंग से, ठीक है, तो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए, ट्राई करो, तो क्वेश्चन ध्यान से करते चलो, ट्राई भाई कर लिए क्या, देखो सुना ध्यान से, वापस शुरू करते हैं कहानी कि भाई वी क्रॉस भी हम लोग को निकालना है, तो पहले दो मस्त डंडा ले आते हैं, इन दो डंडों के बीच में आई कैप जे कैप के कैप को लगाते हैं, पहले वी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो भाई वी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, आई कैप का कोफिशियंट 2, जे कैप का 2, के कैप का 1, बी के एलिमेंट आई कैप का 1, जे कैप का 1, के कैप का -1, क्या ये बात समझ में आ रही, बोले हाँ सर ये तो सही है, ठीक है, ओके शुरू किया जाए, भाई 2 को तो बाहर रहने देते क्योंकि क्यू की वैल्यू 2 कूलम दिया हुआ है, अब आई कैप के मल्टीपल को खोजते हैं, आई कैप ऐसे छुपा लिए ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, -2 -1 -2 -1 -j कैप क्योंकि अल्टरनेट चलेंगे +-+, ठीक है, अब इसको अगर हम छुपा लें ये वाला, तो ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, तो -2 -1 करेगा कितना, -2 -1 प्लस ऑफ के कैप, देखना ध्यान से, के कैप की बात करते हैं, ये छुपा लिए ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, तो 2 -2, तो ये तो 0 हो गया, 2 -2, अरे बड़ा वाला ब्रैकेट है क्या, ये बंद कर देते हैं इसको, ठीक है, तो बाहर 2 आ गया, यहाँ कितना है -3i कैप, ठीक है, -3 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो +3j कैप, और ये वाला तो 0 ही हो गया, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा, -6i कैप +6j कैप, और चूंकि ये फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, बोलो ये बात समझ में आ रही है, तो क्या हमको एफ वेक्टर मिल चुका है, बोले सर बिल्कुल मिल चुका है, क्या हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते, बोले बिल्कुल आसानी से निकाल सकते, अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 बाहर, तो क्या ये 6√2 आ रहा है कि नहीं, तो भाई 6√2 न्यूटन हो गया, अगर हम डायरेक्शन पे ध्यान दें तो एफ कैप क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एफ कितना आएगा,
माइनस ऑफ सिक्स आई कैप प्लस ऑफ सिक्स जे कैप होल अपॉन सिक्स रूट टू, यहाँ कितना जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। ये बात समझ में आ रही है? देखो हो गया ये, यहाँ हम लोग क्या निकाल लिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए और डायरेक्शन निकाल लिए। अगर तुम देखो ये बात बहुत बेहतर तरीके से देखोगे ना, कह रही सर ये जो क्वेश्चन तो गजब ही था, ये तो ट्वेल्थ का क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, बोले बिल्कुल एकदम सही बात है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ भाई। वेक्टर इसीलिए बहुत जोर हम दे रहे हैं बार बार कि वेक्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट कि हम कई जगह बहुत बार घुमाएंगे, तुमको खूब घुमाएंगे। अगर तुम वेक्टर में कहीं फंसे ना तो तुमको लगने लगेगा अरे सर हमारे यहाँ टॉपिक कमजोर। टॉपिक कमजोर नहीं है भाई, वहाँ क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि वो वेक्टर कमजोर था, ठीक है? तो वेक्टर में फोकस करो, जब भी कहीं फंसो लगे कि अरे सर वेक्टर का कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो जरूर से जरूर वेक्टर के वीडियो को रिपीट करो। देखो भाई अपने अंदर या खुद के अंदर या किसी भी तरीके से खुद के अंदर एनर्जी मोटिवेट करके खुद को रखना पड़ेगा ये, क्योंकि जो भी हो जाए ना, कुछ भी कितनी भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ये हमको नहीं पता है ना। अगर तुम हमको ये बात हमारी बात थोड़ी भी मान रहे हो तो इस बात को समझो इस चीज़ को कि वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि तुम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर तुमको लगता है कि ऐसा डाउट में आ रहा है तो वेक्टर में जरूर से जरूर रिपीट करो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ढंग से कहीं दिखाया नहीं गया एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो, एक्चुअली में अगर सही से देखा जाए तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो चलो देखना ध्यान से। और ऐसा तुमको शुरुआत में लगता है सर बहुत टफ है ये, लेकिन अभी अगर ये ट्वेल्थ में तुमको पढ़ाया जाता है, अगर तुम ट्वेल्थ में हो तो तुमको ये नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है? लेकिन कहानी है भाई वही बात कि इम्पोर्टेंट जो है वो है ही है। तुमको अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भाई सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो देखना आगे बढ़ते हैं। हम लोग दो ऐसे क्वेश्चन कर लिए, बल्कि एक्चुअली में देखा जाए तो तीन ऐसे क्वेश्चन कर लिए जिसका हम लोग चैप्टर तो नहीं पढ़े हैं, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग उसके क्वेश्चंस को कर लिए हैं, चाहे फिर वो एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे फिर वो टॉर्क हो, और चाहे फिर वो मैग्नेटिक फोर्स ही क्यों ना हो, ठीक है? चलो देखना एक आध और करते हैं भाई। देखना इफ टू वेक्टर, ये होमवर्क है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे तो इसी को डिस्कस करेंगे। इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड कैपिटल सी। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस ऑफ सी के कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 9k कैप, हाँ ठीक है। चलो भाई क्या बोला गया बताओ, a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोगों से सी की वैल्यू पूछी जा रही है। सी का ये रहा सी, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो हम लोग को सी की वैल्यू पता लगानी। कैसे करेंगे? सिंपल कहानी है। हम क्या बताए थे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करते हैं। सिंपल कहानी है। अब हम लोग इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो करना है, ठीक है? अच्छा अब क्रॉस प्रोडक्ट में खेल सोचो भाई, अगर हम क्या करेंगे, आई वो डिटर्मिनेंट वाला बनाएंगे ना, आई जे के फिर एलिमेंट भर दिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए, क्रॉस प्रोडक्ट को किसके कर देंगे इक्वल, जीरो के इक्वल, ठीक है? अब सोचना ध्यान से, देखो जीरो के इक्वल का मतलब क्या होगा भाई, कोई वेक्टर जीरो के इक्वल थोड़ी सकता है, कोई वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, मतलब उसका आई कैप भी जीरो होगा, जे कैप भी जीरो होगा और के कैप भी जीरो होगा। क्या लिखेंगे इधर जो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा वो लिखना, इक्वल जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, सबको जीरो 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 के इक्वल करना। अब उसमें से ना कहीं ऐसा होगा जहां सी का कुछ ना कुछ बचा रहेगा, सी बचा रहेगा, उसको जब जीरो के इक्वल करोगे तो वहां से सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? अगर मोर देन वन ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पर सी मिल रहा होगा तो तुम कोई भी सॉल्व कर लोगे ना तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है? तो ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे भाई। कोशिश अब हम यही करेंगे, अगर हम किसी वीडियो में नहीं भूलते तो हम कोशिश यही करेंगे भाई कि हर बार लेक्चर में ना हम कोई ना कोई क्वेश्चन दे के जाए ताकि तुम्हारा थोड़ा लिंक बना रहे, थोड़ा हम बताएं तुमसे बात कि थोड़ा कोशिश करो हमसे इंटरेक्ट करने का। हम बहुत बार बोल रहे हैं भाई
लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ये नहीं आ रहा है। और मैक्सिमम बच्चे जो 11th का वीडियो उसको कंप्लीट देख नहीं रहे हो, सब छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हो उसको। 11th का वीडियो कंप्लीट करो, अगर तुम यहाँ तक आ गए तो बहुत बढ़िया, कंप्लीट किए ही हो। लेकिन ईमानदारी से अगर कोई वीडियो छोड़ रहे हो ना, तो उसको जरूर से जरूर पूरा करो। अगर थोड़ा बहुत हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हो कि नहीं सर हम आपकी बात मानेंगे, तो हमारे ऊपर भरोसा करो। मैंने तुमसे बोले ना कि अगर तुम किसी चैप्टर के पूरे वीडियोस को ढंग से कंप्लीट करोगे, तो हम यही कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे ऐसा ना हो कि बचे रहें। और अगर तुम बहुत कम भी मेहनती होगे ना, तो भी जरूर इतना हम सिखा देंगे कि अगर तुमको भी एग्जाम में या कहीं पर भी क्वेश्चन मिलेगा, तो तुम्हारा पेन जरूर चले भाई। पहला स्टेप तो यही ना कि पेन चलना चाहिए। अगर पेन चलने लगा तो तुम समझ जाओगे तुम सीख भी रहे हो और अल्टीमेटली सीख भी जाओगे, ठीक है। तो लगे रहो, अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखो, कोशिश करो कि कुछ भी हो जाए तुम ये चीज़ वाला पोर्शन मिस मत करो। कुछ भी हो जाए अगर तुम किसी चीज़ को चालू कर दो तो ख़त्म करो भाई। जैसे नहीं वो कहते नहीं है कि किसी काम को शुरू करने को काम करना नहीं कहते हैं, किसी काम को करने को भी काम करना नहीं कहते हैं, किसी काम को करते रहने को भी काम करना नहीं कहते हैं, किसी काम को ना खत्म करने को काम करना कहते हैं भाई। तो कोई वीडियो हो या कुछ भी, कोई टास्क हो, कुछ भी चीज़ अगर तुम चालू करते हो ना, तो कोशिश ये करो कि हिम्मत मत हारो और उसको पूरे अंत तक देख के जाओ। समझ में आ रही बात? ये सही है कि जितना डिस्ट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें, इतनी अजीब सी चीज़ें सब कुछ होती रहती है लाइफ में, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ साइड में रखो। अभी फिलहाल तुमको पढ़ते रहना भी जरूरी है, हम ये भी नहीं करेंगे बिल्कुल ही मत करो, करो लेकिन पढ़ते भी रहो साथ में, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखे पहले हम वो हल्का फुल्का रिवाइज करा देते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखें कि भाई प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेन बात तो ये थी प्रॉपर्टीज़। फिर हम कुछ कुछ बताएं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए। फिर हम लोग बात किए कि भाई अगर मिक्स प्रॉब्लम आएंगे तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के एग्जांपल्स के बारे में बात किए हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, एंगुलर मोमेंटम था, टॉर्क था और मैग्नेटिक फोर्स वगैरह था। तो बस करते हैं, बाकी लेक्चर इंपॉर्टेंट था भाई। अब मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में ना ये वेक्टर खत्म करेंगे और फिर हम लोग अब चालू करेंगे क्या, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो चलो बस करो, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।